नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत्सत प्रणाम है। हमारी न्यू डाइट सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही करते हैं, गरीब लोग ही करते हैं, साधु करते हैं, सन्यासी करते हैं, संसारी करते हैं, सभी जो है इंसान जो बीमार है वो भी करते हैं, जो स्वस्थ है वो भी करते हैं। तो वैसे ही आज सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में स्वस्थ होके अहमदाबाद के बापू नगर से मंजुला बेन हमें मिलने के लिए आए हैं। इनको 3 महीने पहले ढेर सारे प्रॉब्लम थे, इनको क्या क्या फायदा हुआ, इनका क्या अनुभव है, वो सारा का सारा जो डिटेल है वो हमें बताना आए हैं। तो मंजुला बेन आपको बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? इनको खांसी का प्रॉब्लम था और वजन इनका बहुत ही था, पेट इनका बहुत ही बड़ा था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो पहले आपका कितना वजन था? पहला 75 जी, और अभी कितना हो गया? 68 जी। तो इनका 3 महीने में 15 किलो वजन भी कम हो चुका है। तो अभी आपको पेट में क्या महसूस होता है? जी, और आपका 15 किलो वजन कम हो गया है तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको आपकी बहुत चिंता रहती होगी। हाँ, वो क्या कहते हैं आपको? एकदम पात्रा था या, एकदम दुबला था या, तब न काम नहीं करी सको, नीचे पड़ी जैसा काम तवर घर कौन करते है। ये मुझे कैसे जी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये सिस्टम फॉलो करते हो। तो आपका जो इतना बड़ा पेट था, आपका वजन कम हो गया, तो अभी आपको अशक्ति लग रही है या फिर ताकत लग रही है? ताकत लग जी। और ये मंजुला बहन है वो ऐसे शख्स है कि जो किसी और की ऑफिस में सर्वेंट का काम करते हैं और ऐसे करके पैसे कमाते हैं, लेकिन ऐसे करके भी पैसे जो कमाते थे वो सारे के सारे पैसे दवाई में चले जाते हैं। तो उनके बारे में इनका क्या कहना है वो बताएंगे। तो मंजुला बेन, तमे पहला जे छे ए बहु बधानी दवाओ करता था, तो क्या क्या दवाओ करी, केटली दवाओ करी, केटलो खर्चो कर्यो? एलोपेथी में जती थी, होम्योपेथी में, आयुर्वेदिक में, आ बधी जगह दवा खाई। बराबर, पैसा तो फायदो थयो? कोई फायदो नथी जी। केटला रुपिया नो खर्चो थयो हसे? पैसा ना तो खासा पैसा थया, 5,000, 10,000, 20,000। हां, 50,000 जुटो थी जी। तो कम से कम 50,000 का खर्चा हुआ और ये खर्चा इन्होंने ऐसे कमाया है कि ऑफिस में काम कर कर के ये पैसे कमाते हैं और फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी। जब जाके भगवान की कृपा से और इनके अच्छे कर्मों की वजह से हमारी वीडियो देखी इन्होंने और हमें यहाँ पे मिलने आए। पिछले 3 महीने से 3 बार आ चुके हैं और अभी इनका कहना ये है कि इनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, 100% स्वस्थ हो गए हैं। तो आपको बार बार वॉमिट होती थी, तो अब होती है कि अब ठीक हो गया जी? पेट में दुखता है या नहीं दुखता है? नहीं दुखता। पैरों में बहुत दुखता था? हाँ, पैर पग में दुखता जी। तो अभी पग में पण दुखवानो बंद થઈ ગયું છે जी। તમારા હસબન્ડ કે કેવા માંગશે કે તમે આપની કેટલી સેવા કરી 3 મહિનામાં અને 7 વર્ષમાં, એ વિશે તમે શું કહેશો? 3 મહિનામાં સેવા કરી અને 7 વર્ષ તો બહુ યાદ થઈ ગયો આના પાસે। બરાબર, બિલકુલ ખાંસી મને હજારી લઈ જાઉં ફરવા, કોઈ ખાંસી નહીં આવતી। तो आपकी खांसी ठीक हो गई, आपका वजन ठीक हो गया, आपका शरीर भारी था वो ठीक हो गया, आपके घुटनों में दर्द था वो ठीक हो गया। तो ऐसा क्या आपने फॉलो किया कि आपको इतनी सारी बीमारी ठीक हो गई? आपने सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, शाम को क्या खाया, वो बताइए। जूस पी दो। हाँ, बस ये सवारे सेवन जूस पी दो, मीठा लींबड़ो, हाँ, कोथमीर, बस ये पालक, मेथी, अना अर्धो लींबू नीचो ही ना आधो टुकड़ो नीचो ही ना पी दो। बराबर, तो केवू लागे छे जूस पीवा?
બરાબર તો આપણે તો આખી જિંદગી 50 વર્ષ ના થયા આખી જિંદગી માં તમે ચા પીધી દૂધ પીધું છાસ પીધું તો આ બધું કેવી રીતે છોડી દીધું મે તો દવાથી એનિમા લીધું બરાબર તો એનિમા થી કેટલો ફાયદો થયો ને કેટલી ગંદકી નીકળી મેને એનિમા થી તો બહુ જ ગંદકી નીકળતી હતી એકદમ કાળો 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 નીકળો પછી અંદર થી કફ નીકળો પરાતા ગઠ્ઠા જેવા નીકળતો હતો અને પછી એકદમ પાતળો ઝાડો નીકળો એ બધું દુખતું હતું બરાબર એટલે દુખે નીકળતો હતો બરાબર સવારે ત્રણ વખત બપોરે ત્રણ વખત ને રાતે ત્રણ વખત જી તો એનિમા અત્યારે પણ કરો છો હા કરીએ છીએ જી તમારા હસબન્ડ તમને કેટલી મદદ કરે છે એ તો બહુ જ મદદ કરે છે જ્યુસ કાઢી આપી છે અચ્છા અને બધું મદદ કરે છે એનિમા કરવામાં પણ હેલ્પ હા હેલ્પ કરી બહુ કરી જી શું નામ છે ભાઈ તમારું રણજીત ભાઈ જો હે વો પૂરે દિન ઇતના હાર્ડ વર્ક કરતે હૈ પૈસે કમાને કે લિયે ઘર ચલાને કે લિયે લેકિન સાથ સાથ મે મંજુલા બેન કે ભી ઇતની સેવા કરતે હૈ કે વો ખુદ પહેલે બહોત હી ભારી શરીર થા તો ખુદ એનિમા ભી નહીં કર સકતે થે તો યે ઇનકો એનિમા ભી કરવાતે થે ઇતના હી નહીં ये खुद रणजीत भाई जूस बना के वाइफ को पिलाते हैं पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि वाइफ जो है वो जूस बनाती है या वाइफ जो है वो खाना बनाती है यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया है हस्बैंड जो है वो इतनी सेवा कर रहे हैं तो सुबह में आपने ग्रीन जूस पिया पछी है ना पछी शू खा दू पकौड़े सलाड तो सलाड के टू खा दू ना शू शू सलाड में खा दू काकड़ी પછી બીટ ગાજર એવું બધું કાપીને ખાતી હતી બરાબર તો એનાથી પેટ ભરાઈ જાય છે હા ભરાઈ જાય જી તો આપણે તો આખી જિંદગી આવી રીતે ટેવ પડી છે કે શાક ખાઓ દાળ ખાઓ ભાત ખાઓ રોટલી ખાઓ ભજીયા ખાઓ ઢીબરા ખાઓ ખીચડી ખાઓ કઢી ખાઓ તો હવે તમે સલાડ કેવી રીતે તમને ભાવે છે મેં બહુ ભાવે છે અચ્છા સાંજે જમવામાં શું લો છો જ્યુસ પીવું જ્યુસ પીવું પછી બીજું બસ सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन पे है सनकुक फूड पे है प्राकृतिक भोजन पे है और इन्होंने जो है वो अपने आप को ये सिस्टम से न्यू डाइट सिस्टम से इन्होंने ठीक कर दिया इतना ही नहीं एनिमा भी करते हैं और उपवास कितने घंटे करते हो सुबह में उपवास तो आखो दिवस उपवास चालू है नहीं सुबह में बिल्कुल जूस नहीं पिया तो वो कुछ भी पेट में नहीं खाया हाँ पकोड़े चालू था हाँ तो 12 बजे तक आपका उपवास चलता है तो इन्होंने फास्टिंग भी किया है सुबह से लेके ऐसा नहीं कि जूस पी लिया फास्टिंग भी किया है तो अगर पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान अगर ये मंजुला बहन को भी फॉलो करेंगे तो भी हॉस्पिटल की सारी दवाइयाँ है सारे डॉक्टर का खर्चा है सारी मेडिसिन का खर्चा है वो भी ઠીક હો જાયેગા મંજુલાબેન તમારે બીજું કઈ કેવું છે આખા દેશ ને આખી દુનિયા ને આખા સમાજ ને શું કહેવું આવું જ કરવું જોઈએ આવા જે કરી છે બરાબર કરી છે બરાબર હા એ ડીએસ માં આયા પછી બહુ જ ફાયદો છે બરાબર અને બેન એની માંથી ઊંઘ સારી આવશે અચ્છા પહેલે ઊંઘ નથી આવતી પહેલા ઊંઘ નથી આવતી જી પેટ માં પહેલા બહુ જ ભારે થઈ જતું હા ભારે લાગતું હતું હલકું થઈ જાય હલકું થઈ તમે આટો મારવા જાવ છો ચાલવા જાવ છો તો શરીર દુખે છે કે ચાલવાની મજા આવે ચાલવાની મજા આવે છે તકલીફ પડી હોય ને કરવી પડી હોય દિવસ ભરના પેટમાં બહુ દુખાય 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 થાય આમ એક ભરું શીખણી પર મટ્યું નથી ત્રણ ડબલા એનિમા કરી બરાબર પછી અડધો કલાક માં આરામ થઈ ગયો મંજુલાબેન તમને આટલા બધા જે પ્રોબ્લેમ હતા એ તો મટી ગયા પણ હમણાં તમે બીજું પણ કંઈક કહેતા હતા કે તમને ખંજવાળ આવતી હતી શું થતું પછી સ્કૂલ જો પ્રોબ્લેમ હતી ખંજવાળ બરાબર તો ખંજવાળ ની પ્રોબ્લેમ તમને સ્કિન ની પ્રોબ્લેમ કેટલા સમય થી હતી મને 5 વર્ષ ઓકે તો એમ તો જો હે વો 5 સાલ સે સ્કિન કા પ્રોબ્લેમ થા પૂરે શરીર મે પેરો મે
खुजली आ रही थी वो भी इनकी बिना दवाई के सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम को फॉलो करके ठीक हो गया है। अगर कहीं खंजवाड आवे से ना रखे थे पहला खोला था बती जगह है ना तू भी ना तो अब नहीं तो एकदम ना धोर तो डाकारा डागा था नहीं चला बराबर मजे आवे से हां मजे आवे बराबर। तो ये जो है हमारे साथ रिजल्ट है, इसमें कुछ कहने की शंका करने की जरूरत नहीं है कि दवाइयों से ठीक होगा या फिर नेचर से ठीक होगा। तो इन्होंने करके दिखाया है कि नेचुरोपैथी को फॉलो करके ठीक हो जाता है। क्या सुधिया सिस्टम ने फॉलो कर सो तो जीव जागृति औषधि को फॉलो कर। वाह, तो देखो इनके चरणों में हमारा सत्सत प्रणाम है कि ये इनका कहना ये है कि अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो मैं जब तक जिंदा रहती हूँ तब तक ये ईश्वर का बनाया हुआ खाना चाहती हूँ। तो ऐसे ही आप सभी को भी और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है जहाँ निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। तो आप यहाँ पे आए, आपने कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आभार, प्रणाम। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।